सो हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन हम लोग करने वाले हैं आपके CDS 1 2021 में पूछे गए जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है। तो ये PYQs की सीरीज़ है जिसमें कि मैं आपको GK और साइंस दोनों के PYQs करवा रहा हूँ। तो इनको रिवाइज़ करते रहें लेक्चर्स को, ना सिर्फ लेक्चर्स को रिवाइज़ करते रहें बल्कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो देखो CDS की अगर हम बात करूँ तो पॉलिटी हो गया आपका, साइंस हो गया, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स और आपका ज्योग्राफी, ये स्कोरिंग सेक्शंस हैं। रही बात इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, उतने ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होते हैं बिकॉज़ ये बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं है कि आप इनको गेस कर सकते हो कि हाँ इस टॉपिक से आएगा। बट पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब में आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि हाँ इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा तो साइंस है आपका, ठीक है। तो इसी वजह से जो मैं आपके साइंस की PYQ के सेशंस लेके आ रहा हूँ, ना सिर्फ CDS के बल्कि NDA के, इनको मैं एक प्लेलिस्ट में बना के डाल दूंगा। तो उनको दोनों को आप 1.5x या फिर 2x स्पीड पे लगा के रिवाइज़ करके ज़रूर जाना वहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ा है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़ा है आपने, साइंस के लिए जो भी आपने लेक्चर्स जो मैंने आपको डाल रखे हैं वो किए हैं, तो उनको रिवाइज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और एक रही बात इकोनॉमिक्स की, तो पिछली बार मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें कि मैंने पूरा इकोनॉमिक्स कवर करवाया था, वैसे इस बार भी मैं आपका एक पूरा वही बोल सकते हैं लेक्चर डालने वाला उन्हीं नोट्स के थ्रू, तो वहाँ से आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं कवर होता तो फिर आप कितने भी बुक्स पढ़ लो फिर वो उसका उतना आउटपुट नहीं निकलेगा जितना आउटपुट आप पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स पढ़ के निकाल सकते हो। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स मैं आपको दे दूंगा कुछ एक दो दिन में, बाकी चिंता मत करिए। CAPF के लिए जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो बस उनके लिए थोड़ा सा एड ऑन और रहेगा, बाकी आपका वही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका पॉलिटी का तो नहीं है लेकिन कर ही लेते हैं, अब यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया इज करेक्ट। ये हिंदी में क्वेश्चन है, ठीक। तो अब इन तरह के क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट नहीं करना है पहली बात तो, क्योंकि ये पॉलिटी से क्वेश्चन नहीं है, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन तो है नहीं, और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं जो आपने पढ़ा हो, किसी ने पढ़ा हो है क्या कि 1843 का जो स्लेवरी का एक्ट था उसमें क्या क्या दिया था, किसी ने नहीं। अब यहाँ पे आपको इसको लास्ट राउंड में अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पे आप अटेम्प्ट इसको ऐसे करेंगे एलिमिनेशन लगा के, अगर आपको करना है तो। अगर आपको लगता है सेफ़ खेलना है तो आप बिल्कुल टोटल स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं इसको आपको अटेम्प्ट करना है तो कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है वो आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इट गेव द मास्टर्स द राइट टू, यहाँ पे सिंपल जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको नहीं पता उसमें क्या दिया, अब आपको ऑप्शन से खेलना पड़ेगा। इट गेव द मास्टर्स द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड टू देयर स्टेट्स। दूसरा यहाँ पे आपका ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज़ ऑफ कोर्ट्स टू असर्ट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव्स, द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर्स वर्क जॉइंटली इन डिजॉल्विंग द केसेज ऑफ डिसेशन। और चौथा ऑप्शन है आपका, द स्लेव्स बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड। अगर आप यहाँ पे पहले और दूसरे ऑप्शन को पढ़ो, यहाँ पे आपसे पूछा करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो पहला और अगर आप दूसरा ऑप्शन पढ़ो तो यहाँ पे बोल रहा है, गिव मास्टर्स द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड टू, इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज ऑफ कोर्ट्स टू असर्ट देयर क्लेम्स ऑन स्लेव्स। चौथा, द स्लेव्स बिकेम द ओनर्स ऑफ द लैंड। तो ये इसको तो सबसे पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो बिकॉज स्लेव्स को कभी ओनरशिप तो मिल ही नहीं सकती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से तो डी गया। और अब पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों कंट्रास्टिंग है। यहाँ पे बोल रहा है मास्टर्स को कुछ राइट दिए हैं कि विलफुली अपने स्लेव्स को रख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है उसने मास्टर्स को कुछ डिनाई कर दिया है, कंट्रास्टिंग ऑप्शंस है ना। तीसरे को पढ़ते हैं, द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर्स वर्क जॉइंटली इन डिसॉल्विंग द केसेस ऑफ डिसेशन, यानी कि यहाँ पे भी मास्टर्स को कुछ पावर दिए जा रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ मास्टर्स को पावर दिए जा रहे हैं, यानी दोनों ये कहीं ना कहीं सेम है, ये इनसे अलग है, तो यही आंसर होगा ना, क्योंकि एक क्वेश्चन के दो आंसर तो नहीं हो सकते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऐसे इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, बाकी मुझे नहीं लगता कि इसको अटेम्प्ट करने का कोई और मेथड है, पढ़ा तो किसी ने नहीं होगा इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इज ऑल करेक्ट। तो मैंने जब आपको पॉलिटी पढ़ाया था पार्लियामेंट चैप्टर, तो वहाँ पे हमने देखा था दो तरह के वोट्स होते हैं भाई हाउस में, एक तो होता है वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस, और दूसरा होता है हमारा कास्टिंग वोट। वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस जो भी मेंबर्स होते हैं आइदर लोकसभा और राज्यसभा वो करते हैं, कास्टिंग वोट डालता है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। कौन डालता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है और राज्यसभा के केस में चेयरमैन होता है, ठीक। अब ये कास्टिंग वोट तब डलता है जब मान लो फर्स्ट इंस्टेंस में ये चेयरमैन है, ये सब मेंबर्स लोग हैं, ठीक है, वोटिंग हो रही किसी के रिगार्डिंग, ठीक है, 100 लोगों ने वोट डाले और ऐसा कुछ मामला फंस गया कि 50-50 हो गया, 50 लोग बोल रहे हैं हाँ, 50 लोग बोल रहे हैं ना, तो अब यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है अब वो कास्टिंग वोट करेगा,
पहले इंस्टेंस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट नहीं डालेगा, जब वोटिंग की वोट्स की इक्वालिटी हो जाएगी तब कास्टिंग वोट आता है और तब वो स्पीकर या फिर चेयरमैन इन आइदर केस वो वोट करेगा, उसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो इट इज़ कास्ट बाय द स्पीकर और पर्सन एक्टिंग एज सच, बिल्कुल ये स्पीकर या फिर मान लो स्पीकर नहीं तो स्पीकर की जगह डिप्टी स्पीकर होगा जो कि स्पीकर बन गया होगा अगर वो एबसेंट है तो वो होगा, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पास कास्टिंग वोट नहीं होता है अगर वो डिप्टी स्पीकर का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब स्पीकर अपनी कुर्सी में है तो डिप्टी स्पीकर इज़ लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस, ये ध्यान रखना। डिप्टी स्पीकर को तभी कास्टिंग वोट मिलेगा जब स्पीकर नहीं है तो वो एज अ स्पीकर एक्ट कर रहा है। इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, नहीं, इट इज़ कास्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। ऐसा नहीं है कि वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस भी हो गया और साथ साथ ये भी कास्टिंग वोट भी पड़ गया, ना, स्पीकर और जो चेयरमैन उसके पास कास्टिंग वोट की पावर तभी आएगी जब इक्वालिटी ऑफ वोट होगी। तो पहला सही है, तीसरा सही है, अगर पहला सही है तीसरा सही, दूसरा है नहीं तो ये गया और पहला सही है ही, तो चौथा ना भी चेक करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत होना ही। इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सही हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर स्पीकर का रेजोल्यूशन चल रहा है उसके रिमूवल के लिए, उसके रिमूवल का रेजोल्यूशन हाउस में चल रहा है तो स्पीकर की कुर्सी में तो बैठेगा नहीं, ठीक, तो अब क्या उसके पास कास्टिंग वोट होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्या उसके पास वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा? तो हाँ, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा अगर स्पीकर का रिजोल्यूशन चल रहा है उसके रिमूवल के लिए, तब क्योंकि स्पीकर तो है नहीं वो, राइट, कास्टिंग वोट नहीं होगा। अब वो इस किसी एक अदर मेंबर की तरह बिहेव करेगा तो वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर मैं राज्यसभा की केस की बात करूँ, अगर चेयरमैन का रेजोल्यूशन चल रहा है रिमूवल के लिए, यानी एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है, तो ना तो उसके पास वोटिंग कास्टिंग वोट होगा और ना ही वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है लेकिन स्पीकर लोकसभा का मेंबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ कि स्पीकर की डे इलेक्शन की डेट डिसाइड कौन करता है, ये भी आपको बता देता हूँ कि स्पीकर की इलेक्शन की डेट हमारा प्रेसिडेंट राष्ट्रपति डिसाइड करता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन की डेट स्पीकर डिसाइड करता है। ये सारे फैक्ट आपको रिवाइज करने हैं, इसको मैं रिवाइज करवाता चलूँ तो पूरा पार्लियामेंट चैप्टर ऐसे करके रिवाइज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, हमें और भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो ये खुद से आपको एक्टिविटी करनी है माइंड में कि ये कैसे कैसे और ये सारी चीज़ें, कि स्पीकर कौन कौन सी कमेटी का चेयरमैन होता है, जनरल पर्पज़ कमेटी, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इनका मेंबर होता है, और स्पीकर के पास क्या पावर होती है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, ये सब आपको सोचना है, ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र आप हिंदी पढ़ सकते हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर द विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपर इजी, आर्टिकल नंबर 14 में ही तो बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यही तो है, यही तो मैंने आपको पढ़ाया था। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है एंड इट इज़ टेकन फ्रॉम दी ब्रिटेन, ब्रिटिश ओरिजिन का है ये, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो कि लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर अमेरिका से लिया गया है। ये बोलता है कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, इक्वल इन द सेंस किसी पे पक्षपात नहीं किया जाएगा, यानी कि लॉ के सामने सभी लोग एक तरह से इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि अगर आप जैसे कि किसी को प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए, इसका आप मतलब ये समझ लो किसी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिले हुए, विशेषाधिकार नहीं मिले हुए, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट बोलता है कि मान लो कि कोई 50,000 रुपये कमा रहा है बंदा, ठीक है, कोई 1,00,000 रुपये कमा रहा है बंदा, तो इन दोनों को सेम नहीं ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक बंदा ए, ये है बी, ये है कोई सी जो 50,000 कमा रहा है और कोई कमा रहा है 1,00,000, ये डी है, तो ए और सी को सेम ट्रीट किया जाएगा, बी और डी को सेम ट्रीट किया जाएगा, ए बी को या फिर सी डी को सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता है, फिर सी और बी को सेम ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ये बोलता है। 15 क्या बोलता है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, बाकी और अदर ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। 16 बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है जब रोजगार देने की बात है। ये आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। तो और डिटेंशन कितने तरह के होते हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव मतलब किसी ने क्राइम कर दिया है तब डिटेंशन होता है, और प्रिवेंटिव मतलब वो करने वाला है उस शक में उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया है, ठीक है। ये सब हम लोग आर्टिकल 21 डीप में डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट डेमोक्रेसी मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो किसने कहा था, ये क्वेश्चन भी
पता है तो ठीक है, जो कि बहुत कम चांस है कि आपको पता होगा, नहीं पता स्किप करिए, इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेशन भी काम करेगा नहीं, जॉन लॉक ने वैसे ही कहा था। बाकी जैसे अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन से चले, तो पहले क्वेश्चन स्किप करने वाला था और बाकी अटेम्प्ट किया जा सकता है अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो। दूसरा करना ही था बिकॉज पॉलिटी से क्वेश्चन है, ये भी करना था आपको। और तीसरे इसके मैं अगर बात करूँ चौथे क्वेश्चन की, तो ये एक टफ क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन भी काम नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। आपको लगेगा भाई हमने नीति आयोग के तो ऑब्जेक्टिव पढ़े ही नहीं, कैसे करें क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। ये अगेन ऑड वन आउट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो हाँ सेकंड राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हो, सेकंड और थर्ड राउंड में, बट अटेम्प्ट ज़रूर करिए ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। बिकॉज नीति आयोग के फंक्शन किसी ने पढ़े नहीं होते, आपको वहीं पर दिमाग लगा के एलिमिनेट करना है, ऑड वन आउट करना है। इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रैटेजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस। कितना कॉम्प्रिहेंसिव से लग रहा है, कोई डेटा कोई फैक्ट कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है जो शक के दायरे में है नहीं। इट फंक्शंस एज अ थिंक टैंक। तो मोदी जी हमारे बोलते रहते हैं नीति आयोग इज अ थिंक टैंक, थिंक टैंक, तो ये अब तो सुना ही होगा आपने, ये भी सही है। इट मॉनिटर्स एंड इवेलुएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। तो अगर आप देखो तो नीति आयोग जो है काफ़ी इंडेक्सेस पब्लिक पब्लिश करता रहता है, तो इस वजह से इवेलुएट करता होगा तभी तो पब्लिश करता होगा। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट एज प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसॉर्ट। तो ये आपका गलत होगा, क्योंकि ये कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम तो है नहीं, ठीक है, झगड़े। और क्या लिख रहा है, इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट, तो इसके रिगार्डिंग किसको राइट मिले हुए हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट को। कैसे राइट हैं, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, किस आर्टिकल के तहत, ये आप बताएंगे कॉमेंट में, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी एक सेंटर या फिर स्टेट या फिर सेंटर एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर फ्यू स्टेट्स ऑन अदर साइड, या फिर दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में, मतलब एक से ज़्यादा के बीच में लड़ाई होगी, यानी दो स्टेट या फिर दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तहत, तो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और इस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ध्यान रखना वाटर डिस्प्यूट कवर्ड नहीं है, उसके लिए अलग से ट्राइब्यूनल बनते हैं, ठीक है। तो ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट का रिजॉल्व करना है, इसका कोई काम नहीं नीति आयोग का, बिकॉज ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है नीति आयोग, ये कैसी बॉडी है, नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी तक नहीं है। क्यों, अगर पार्लियामेंट के लॉ से बनता तो स्टैट्यूटरी होता, लेकिन ये तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से बना है। प्लानिंग कमीशन को, योजना आयोग को रिमूव करके हटा के उसको जगह लाया गया 1 जनवरी 2015 को। और ध्यान रखिएगा इनके CEO कौन है और इनके वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है, ठीक है, तो सुमन के बेरी और परमेश्वरन अय्यर, पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आपके करंट अफेयर सेक्शन में, ठीक है। सुमन के बेरी CEO एंड वाइस चेयरपर्सन आपके, और सॉरी ये मैंने उल्टा बता दिया आपको, वाइस चेयरपर्सन आपके सुमन के बेरी और CEO जो हैं आपके परमेश्वरन अय्यर हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट्स। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि काफ़ी कुछ ऐसे स्टेट हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट है, फिर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जिनके कॉमन हाई कोर्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें इंडिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मद्रास हाई कोर्ट है और यहाँ पे केरल का हाई कोर्ट है, ठीक है, तो ये तिरुवनंतपुरम में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लक्षद्वीप जो अपना हाई कोर्ट है वो तिरुवनंतपुरम यानी केरल के हाई कोर्ट के साथ शेयर करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स अपना जो हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करते हैं, तो शेयरिंग ऑफ हाई कोर्ट चलता रहता है, ठीक है, जैसे आपका केमिस्ट्री में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता है। तो कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं और कौन एस्टैब्लिश कर सकता है इनको, दो या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए, हमारा पार्लियामेंट है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले इसको ये पावर नहीं दी थी, ये इसको अमेंडमेंट से मिली है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको ये पावर दी गई है पार्लियामेंट को, कि ये दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट सेटअप कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 231। अगला देखते हैं, हिंदी में आपने पढ़ लिया, इंग्लिश में भी कर दिखाता हूँ आपको। विच अमंग द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, हाई कोर्ट वाला पिछला क्वेश्चन आया था ना, तो दिल्ली सीट है सुप्रीम कोर्ट की अभी प्रेजेंट में, ठीक है, अगर मान लो दिल्ली के अलावा कोई और सीट डिक्लेयर करनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, हु कैन डिक्लेयर अदर दैन दिल्ली अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन डिक्लेयर कर सकता है, आपको कमेंट बताना है, ठीक है। तो कैन नॉट बी मेड विच अमंग द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट, दैट द बिल बी टेकन इन टू कंसिडरेशन, दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पज ऑफ एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन, दैट द बिल बी रेफर टू अ सेलेक्ट कमिटी, दैट द बिल बी रेफर टू अ ज्वाइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। खुद ही सोचो, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खुद सोचो इसमें से कौन एक्सट्रीम लग रहा है आपको, कौन सिमिलर बट कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा है। मैं आपसे बोलता रहता हूँ ना कि सिमिलर ऑप्शन में ही जनरली आपको आंसर होता है, सिमिलर ऑप्शन में, यही ना, दैट द बिल बी रेफर टू अ सेलेक्ट कमिटी, दैट द बिल बी रेफर टू अ ज्वाइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस।
अब ज्वाइंट कमेटी क्या होती है? सेलेक्ट कमेटी होती का मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, या तो लोकसभा की कमेटी या सिर्फ राज्यसभा की कमेटी, उसे दूसरे हाउस का लेना देना नहीं है, एक ही हाउस के मेंबर रहेंगे। लेकिन ज्वाइंट कमेटी का मतलब होता है लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी, तो बिना दूसरे हाउस के कंकरेंस के ये कमेटी कैसे फॉर्म की जा सकती है? तो ये आपका गलत होगा। बात कर लेते हैं भाई अब किसकी, बात कर लेते हैं ऑर्डिनरी बिल की। तो देखो ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है कि अमेंडमेंट बिल नहीं है, मनी बिल नहीं है, यानी कि इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स हैं। ठीक, अब बिल कैसे पास होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बिल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो पब्लिक नहीं होता। पब्लिक मेंबर बिल क्या होता है? जो कोई मिनिस्टर लाता है ना बिल, जो कोई मिनिस्टर लाता है वो होता है पब्लिक मेंबर बिल। और जो कोई मिनिस्टर नहीं लाता है वो हो सकता है सरकार का आदमी हो, जैसे बीजेपी अभी सरकार में, तो हो सकता है वो बीजेपी का आदमी हो, लेकिन वो क्योंकि कोई पोर्टफोलियो ही नहीं होल्ड कर रहा है, वो मिनिस्टर ही नहीं है, तो उसको हम प्राइवेट मेंबर बोलेंगे और वो जो बिल लाएगा उसको हम प्राइवेट बिल बोलेंगे, हो सकता है। और देखो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अपोजिशन का बंदा होगा ना तो वो प्राइवेट मेंबर ही होगा, क्योंकि वो मिनिस्टर तो होगा नहीं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें जो सरकार का आदमी है तो वो प्राइवेट हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अपोजिशन का पब्लिक नहीं हो सकता है लेकिन सरकार का प्राइवेट हो सकता है। खैर अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होता है बेसिक इंट्रोडक्शन, तो जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ रीडिंग। फर्स्ट स्टेज में इंट्रोड्यूस होता है, सेकेंड स्टेज पर फर्दर डिस्कशन होता है, और यहाँ पर अमेंडमेंट्स वगैरह होते हैं तो यहीं पर हो जाते हैं। थर्ड स्टेज में जो है कोई अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होता है, यहाँ पे आपको पास करना होता है फिर रिजेक्ट करना होता है, बस उसके रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, अमेंडमेंट नहीं होते हैं थर्ड स्टेज में। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? फोर्थ स्टेज में आपका ये जो बिल है ये अदर हाउस में जाता है। अदर हाउस इन दी सेंस, अगर ये ओरिजिनेट हुआ है लोकसभा में तो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है तो लोकसभा में जाएगा। अब यहाँ पे ये सब आप समझ गए, जब अदर हाउस के पास गया, मान लेते हैं लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था और राज्यसभा के पास गया है, तो अब राज्यसभा के पास क्या ऑप्शंस है? राज्यसभा पास कर देगा तो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, और प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया तो बिल पास हो जाएगा, और अगर नहीं दिया तो यानी कि उसके पास वीटो पावर है, उसका यूज़ कर सकता है, वो हम किसी और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। या राज्यसभा ये कर सकता है कि बोल सकता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है इसको सुधारो, और लोकसभा अड़ जाए कि मान लो कि लोकसभा ने सुधार लिया तो फिर वो फिर से पास हो जाएगा, लेकिन लोकसभा बोले कि नहीं नहीं हमें तो ये अमेंडमेंट मंजूर नहीं है जो तुम बोल रहे हो, तो क्रिएट हो जाएगा डेड लॉक। या फिर राज्यसभा 6 महीने तक कोई उस पर एक्शन ही ना ले। ध्यान रखना स्टेट लेजिस्लेचर के केस में ये 6 महीने की जगह 3 महीने होता है, 3 मंथ्स, ठीक है ना। कि अगर वहाँ पे डुअल लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो अगर मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल 3 महीने तक कुछ रिएक्शन नहीं देती है तो वहाँ पे डेडलॉक क्रिएट होता है, यहाँ पे 6 महीने। तो 6 महीने तक अगर कोई एक्शन नहीं लेता अगेन डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, और जब जब डेडलॉक क्रिएट होगा तब तब जो हमारा प्रेसिडेंट है वो आएगा और ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा। क्या बुलाएगा? ज्वाइंट सिटिंग, और इसको प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। और यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग में सिंपल मेजोरिटी से बस अगर ये पास हो गया तो बिल पास हो जाएगा। अभी तक ज्वाइंट सिटिंग मात्र 3 बिल के केस में बुलाई गई है, एक तो मैंने आपको बताया था टेररिज्म, बैंकिंग और डाउरी, 3 बताए थे ना, 3 एक्ट बताए थे, टेररिज्म के रिगार्डिंग एक था, एक बैंकिंग और एक डाउरी प्रोहिबिशन बिल, तो ये आपके तीनों थे, ये आपको पूरा याद पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? 44th अमेंडमेंट से कौन सा एलिमिनेट कर दिया गया? सुपर इजी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम PYQ, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था, अभी करेंटली आर्टिकल 300A में है, लीगल राइट है, राइट सब कुछ आपको पता ही, पहले 19(1)F में था ये, ठीक है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अगर बात करें तो ये किसमें? आपका आर्टिकल नंबर 23, 24 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 में। राइट टू एजुकेशन आपका 21A में, जो 21A है यानी कि इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया हुआ है, इसको 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 2000? ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है अगर आपको नहीं पता, जो कि बहुत कम चांस है कि आपको पता होगा, तो इस वजह से आपको स्किप करना है इस क्वेश्चन को। खैर इसका आंसर जस्टिस MN वेंकटाचार्या होगा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी तब ये एक कमीशन बना था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को देखने के लिए कि क्या फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कैसे इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग या फिर वर्किंग को, तब बना था ये। खैर आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर बात करें जस्टिस JS वर्मा, तो अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा, तो फंडामेंटल ड्यूटी को देखने के लिए उसमें थोड़ा अमेंडमेंट सुझाव देने के लिए जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनी थी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएम पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस हैज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन। क्या बोल रहा है ये? एमएम पुंछी कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन हैज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन। क्या अगर किसी ने स्टेट लेजिस्लेचर ढंग से पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टेट लेजिस्लेचर मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी। क्या कैसे? कि हमारे सेंटर में क्या होता है, लोकसभा देन राज्यसभा, और राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होता है, ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है, ठीक। ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर के पास जाता है, और अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है कमेंट में आप बताएंगे, तो अगर वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन गवर्नर, गवर्नर के पास भी वीटो पावर होते हैं जैसे प्रेसिडेंट के पास होते हैं, लेकिन इसके पास एक और एडिशनल पावर होती है, दैट इज कि ये बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए, कि हमें समझ नहीं आ रहा है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल इशू के रिगार्डिंग है ये, तो इसलिए हम इसको रिजर्व कर लेंगे प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि पुंछी कमीशन ने क्या बोला था, कि कितने दिनों में, कितने महीनों में इसको डिस्पोज ऑफ तुरंत किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 months, 6 months, 8 months, 5 months आंसर होगा यहाँ पे 6 months। अब सेंटर स्टेट रिलेशंस में आपके 3 कमीशन बैठे थे। सबसे पहले तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था, CAPF में क्योंकि क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, तो आपको बता रहा हूँ, DMK गवर्नमेंट ने बनाया था राज मन्नार कमीशन। देन इसके बाद सबसे बड़ा आपका कमीशन बैठा था इसके रिगार्डिंग, दैट वॉज सरकारिया कमीशन, सुपर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसने, इसके रिकमेंडेशन से ही इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का गठन किया जाता है अंडर आर्टिकल 263 बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और फिर आपका एक कमीशन बना था एंड दैट वॉज पुंछी कमीशन, जो कि ये आपका राज मन्नार बना था 1969 में, 1969, सरकारिया बना था 1983 में इसके बाद, और पुंछी बना था 2007 में, तो ऑर्डर में भी लगाने को आ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी ये क्वेश्चन कोई आसान नहीं, स्किप करने वाला क्वेश्चन है, बिकॉज कोई पुंछी कमीशन है फिर सरकारिया, इनके रिकमेंडेशन नहीं पड़ता है कि भाई क्या कितना रिकमेंड किया था, बिकॉज बहुत सारे रिकमेंडेशन है। ये मत सोचना कि भाई आज हम जाके लक्ष्मीकांत खोल के पूरे पुंछी कमीशन के रिकमेंडेशन रट डालेंगे, सरकारिया के रट डालेंगे, ठीक है, वो एकदम मूर्खता होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा 6 महीने देखते ही तुम्हारे मन में क्या क्या और आना चाहिए, आपको लिंक करना आना चाहिए चीज़ों को। 6 महीने देखते आपको याद आना चाहिए कि अगर कोई भी मेंबर, जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, अगर कोई भी मिनिस्टर है मान लो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है 6 महीने तक, तो वो जो है अब मिनिस्टर, ना तो मिनिस्टर रहेगा ना तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मिनिस्टर हो ही नहीं सकता। जैसे कि एक आपका लिमिट होता है कि अगर मान लो कि कोई मेंबर नहीं है, अभी ये क्वेश्चन देखेंगे, अगर मान लो कोई मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, ठीक है। 6 महीने का अभी हमने केस देखा कि 6 महीने तक अगर अदर हाउस ने ऑर्डिनरी बिल पे कोई एक्शन नहीं लिया तो डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। तो सारी चीज़ें आप सोचो 6 महीने में क्या क्या हो सकता है। और हिंदी में क्वेश्चन आपने देख लिया 11th नंबर, इंग्लिश में देख लो, करेक्ट कौन सा ही आपको बताना है, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, नए स्टेट क्रिएट करना है या फिर बाउंड्री को ऑल्टर करना है। क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना एक एक वर्ड को, तो नया स्टेट क्रिएट हो रहा है या फिर उसकी बाउंड्री में कुछ ऑल्टरेशन हो रहा है। मैंने आपको बता रखा है ये सारा काम जो होता है सिंपल मेजॉरिटी से होता है, इसमें स्पेशल रेटिफिकेशन तो छोड़ो, स्पेशल भी नहीं चाहिए, एन अमेंडमेंट हैज़, देखो मैं यहाँ पे उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि मेरे बताने से पहले ही आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बना लेते होंगे और 1.5x पे ऐसी स्पीड पे लगा के आप वीडियो को चला रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसी मेरी उम्मीद और उम्मीद पे उम्मीद करता हूँ कि मैं आप खड़े उतर रहे होंगे। एन अमेंडमेंट हैज़ टू बी मूव्ड इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। 3 तरह के अमेंडमेंट बताए थे, सिंपल, स्पेशल, स्पेशल प्लस रेटिफिकेशन, बोला था यही दोनों आते हैं 368 के तहत, सिंपल 368 के तहत नहीं आता, गलत। रेटिफिकेशन बाई 1/2 ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी, गलत, गलत है कि नहीं, सिंपल मेजोरिटी होगा भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब थर्ड स्टेटमेंट यानी ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी तब चाहिए होती है अगर आपको कोई स्टेट, कोई राज्य का कोई हिस्सा किसी दूसरी कंट्री को देना है, दूसरे देश को देना है, तब स्पेशल मेजोरिटी की नीड होती है, ध्यान रखना। अगर लेना है किसी दूसरे कंट्री से कोई टेरिटरी या फिर कोई क्रिएट करना है स्टेट, मान लो जैसे उत्तराखंड यूपी से बना, तो उसके लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर बनाना है या फिर एबॉलिश करना है, तो आपको सिंपल मेजोरिटी ही चाहिए पार्लियामेंट में,
वो स्टेट लेजिस्लेचर में आपको स्पेशल चाहिए होगा, लेकिन पार्लियामेंट में सिंपल से काम हो जाएगा। या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या फिर अबॉलिश करना है, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन अबॉलिश हो सकता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था, डिसॉल्व और अबॉलिश में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका राज्यसभा ना तो डिसॉल्व हो सकता है ना तो अबॉलिश हो सकता है, लेकिन ये डिसॉल्व नहीं हो सकता लेकिन अबॉलिश हो सकता है, ख़त्म हो सकता है ऑल टू टोटल, ठीक है, कि वहाँ से लेजिस्लेटिव काउंसिल उड़ जाए, जैसे जम्मू कश्मीर से उड़ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में आपने देख लिया, इंग्लिश में देखो, पंचायती राज सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल सीट्स इन अ पंचायत आर फिल्ड बाई पर्सन चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन, सही है, ठीक है। थ्री टीयर पंचायती सिस्टम होता है आपका, आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपका ये इसके बारे में दिया, पंचायती राज सिस्टम के बारे में। थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम बलवंत राय मेहता कमेटी ने आपका सिफारिश किया था, पी वी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब ये आपका पंचायती राज सिस्टम मैंडेटरी हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ये सब हमने पढ़ रखा है। थ्री टीयर होता है जहाँ विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, तो आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेयरमैन की पोजीशन की बात नहीं हो रही है, चेयरमैन का इनडायरेक्ट होता है, तो ये पहला सही। द ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द विलेज इलेक्टोरल रोल, तो ग्राम सभा में वो सारे मेंबर्स होते हैं 18 प्लस जो रजिस्टर्ड हैं इलेक्टोरल रोल में। अब 18 प्लस कोई होगा रजिस्टर्ड ही नहीं इलेक्टोरल रोल में तो वो नहीं मेंबर होगा, रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो दूसरा भी सही हुआ, पहला सही है दूसरा सही है, तो अपने आप आंसर बी ऑप्शन हो गया। तीसरे को आप चेक कर लो, द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास बाई ईच स्टेट, तो बिल्कुल अगर हम बात करें चेयरपर्सन जो होता है इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, लेकिन विलेज लेवल पे वो कैसे इलेक्ट होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये वहाँ का स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ऑल स्टेट इन इंडिया हैव अ थ्री टीयर, तो ऑल स्टेट थ्री टीयर नहीं है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, 1, 2 and 3 ओनली। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस पंचायत के रिगार्डिंग आई थिंक अभी क्वेश्चन आएगा, तब देखते हैं। ये देखो क्वेश्चन आ गया वही वाला, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदी में आपने देख लिया, वो उम्मीद करता हूँ 13th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, द इलेक्शंस टू द पंचायत आर कंडक्टेड बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन आपके चुनाव किसके करवाता है, ये करवाता है आपके प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सब के चुनाव करवाता है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है लोकल बॉडीज़ यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को चुनाव करवाता है। तो इलेक्शन ऑफ पंचायत आर कनेक्टेड बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये बिल्कुल सही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एकदम वियर्ड ऑप्शन है कि नहीं, अपॉइंटमेंट का ठेका किसने ले रखा है, या तो गवर्नर ने या तो प्रेसिडेंट ने। अब स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर तो गवर्नर ने किया होगा, चलो मान लेते हैं आपको नहीं पता, फिर भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तो नहीं किया होगा, वैसे करता है गवर्नर, ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू द पंचायत इलेक्शन, ये भी सही है और आपका डी ऑप्शन सही होगा, 1 and 3 ओनली। यही मैं आपको बताना चाह रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास बहुत पावर होती हैं व्हेन इट कम्स टू पंचायत, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट तो वो करता है, ठीक है, लेकिन अगर इसको हटाना स्टेट इलेक्शन कमीशन को तो वो कैसे हटाया जाएगा, तो वैसे ही जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज हटाया जाता है ना, वैसे ही हटाया जाएगा। ये मैं सोच रहा हूँ कि गवर्नर हटा देगा अपने उससे, जैसे कि आपका सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है वैसे ही आपका स्टेट इलेक्शन कमीशनर को भी हटाया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जैसे कि कौन से ग्राउंड में हटाए जाते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रेसिडेंट कौन से ग्राउंड में हटाया जाता है, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होता है, बस इसका प्रोसीजर जो है जजेस इंक्वायरी एक्ट में दिया हुआ 1968 वाले में है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अभी, और एक चीज़ आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है कि वॉलेंट्री और मैंडेटरी प्रोविजंस क्या हैं पंचायत के, और आपको पढ़ना है पेसा के बारे में, पेसा क्या है, ठीक है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनियन कैबिनेट। तो यूनियन कैबिनेट आपको पता है ये होता है कैबिनेट, ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ऐसे तो होता है। कैबिनेट एक तरह से सेंट्रल होता है या फिर कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि कैबिनेट में इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड करने वाले मिनिस्टर होते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं ये आती हैं कैबिनेट के अंदर। बाकी आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये सब आ जाते हैं पूरे काउंसिल ऑफ स्टेट में। तो काउंसिल ऑफ स्टेट बड़ा है, सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये आपका बड़ा है, काउंसिल ऑफ स्टेट तो आपका राज्यसभा को बोलते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बड़ा है, कैबिनेट आपका छोटा है और पावरफुल है।
बात क्या आती कैबिनेट वर्ड या फिर कैबिनेट को कहीं पर डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल, लेकिन ओरिजिनली इसको डिफाइन नहीं किया गया था। इसको अमेंडमेंट नंबर 44 से आर्टिकल नंबर 352 सब क्लॉज 3 में जो है डिफाइन किया गया। ओरिजिनली नहीं था लेकिन 44th अमेंडमेंट से किया गया। इट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, बिल्कुल। इट रिमेंस इन पावर टिल इट द कॉन्फिडेंस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल। अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द पार्लियामेंट कैन नेवर बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, बिल्कुल गलत। अभी मैंने बताया ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर भी तो कैबिनेट का पार्ट है, या फिर कोई भी अगर वो मेंबर नहीं है उसका, वो मिनिस्टर बन सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बस वो 6 महीने के अंदर उसको मेंबरशिप लेनी होगी। अगर 6 महीने के अंदर नहीं लेता है तब हटेगा वो, ठीक है, तब तो मिनिस्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अगर वो ले लेता है तो हाँ होल्ड करता रहेगा, ठीक। तो इस वजह से ये गलत हुआ आपका, ठीक है। अगला 15th नंबर, हिंदी में आपने देख लिया, इंग्लिश में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, गलत हो गया कि नहीं। लोकसभा में इलेक्शन होता है डायरेक्टली हम लोग वोट जाते हैं पोलिंग में, बूथ में जाके वोट डालते हैं। जैसे हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़े होंगे, जैसे वाराणसी से, तो वाराणसी के जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े होंगे वहाँ के लोगों ने उनको चुनाव वोट दिया होगा जाके, ठीक है। वैसे ही सबके साथ हुआ होगा, ऐसे जैसे राहुल गांधी ने वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा तो चुनाव वोट दिया होगा सबने डायरेक्ट जाके। लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर होता है उसके लिए आप वोट नहीं करते हो डायरेक्ट जाके। वो कैसे आता है, वो डिफरेंट स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा है, वहाँ से चुन के भेजे जाते हैं। तो एक तरह से ये कैसे डायरेक्ट इलेक्टेड हैं, ये आपके इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं भाई। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ऐसे ही हमारा प्रेसिडेंट भी अपॉइंट होता है, ऐसे ही जो हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टीमेट कमेटी, उसके मेंबर्स भी आपके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक। तो ये आपका गलत हो गया बिकॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम यूटीज इन लोकसभा चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला था कि स्टेट से तो डायरेक्टली चुनाव होके आएंगे लोकसभा में लोग, लेकिन यूनियन टेरिटरी का पार्लियामेंट डिसाइड कर ले कि यूनियन टेरिटरी से कैसे करना है। तो पार्लियामेंट ने ये बोला कि जैसे स्टेट के केस में है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, वैसे यूटी के केस में भी कर लेते हैं, तो बस वैसे ही हो गया। राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोकसभा में क्या होते हैं, लोकसभा में अब नहीं होते हैं, 2 होते थे पहले एंग्लो इंडियन, लेकिन 104th अमेंडमेंट से उसको हटा दिया गया। लोकसभा में क्या सीट्स रिजर्व होते हैं, बिल्कुल। 2 एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन वाला तो खत्म कर दिया गया 104th अमेंडमेंट से, लेकिन 104th अमेंडमेंट से ही जो रिजर्वेशन होता है एससी एसटी का उसको एक्सटेंड कर दिया गया आगे के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, ऑप्शन है आपके ये, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज और आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स आपके सामने। मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या मतलब कैसे रटवाया था, 15, 16, 19, 29, 30 इस मंत्र का आपको जाप करना है 2-3 बार और याद हो जाएगा। ये क्या है, ये आर्टिकल्स हैं जो कि फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही मिले हुए हैं, सिटीजन्स ओनली, यानी कि इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं वो सभी को मिले हुए हैं इसके अलावा। 19 सेल्फ इंक्रिमिनेशन, 20 याद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन और डबल जियोपार्डी, वो सारी चीज़ें 20 में, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस 25 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में है ये, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 16, अभी आपको बताया था शुरू में। अब देख लो इनमें से कौन सा अवेलेबल है नॉन सिटीजन्स को, यानी कि ये तो सिर्फ सिटीजन्स को हैं इसको छोड़ के। 19 तो होगा नहीं क्योंकि 19 तो यहाँ पे, 20 यहाँ पे नहीं, 20 होगा। 25 क्या है यहाँ पे, नहीं 25 नहीं तो 25 भी होगा। 16 है यहाँ पे, बिल्कुल 16 है तो 16 नहीं होगा। 2-3 आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो 15, 16, 19, 29, 30 पर 2-3 बार रटो, 15, 16, 19, 29, 30 रट जाएगा, बस कुछ दिक्कत नहीं होगी। बस ये समझ लेना ये सिटीजन्स को सिर्फ मिले हुए हैं, बाकी सभी को मिले हुए हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है याद दिला देता हूँ, जब आर्टिकल 20 के तहत आपका अरेस्ट होता है तो आपको राइट्स मिलते हैं कि आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको एक ही केस के लिए, आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं वो दी जा सकती है। और तीसरा आप बताएंगे तीसरा क्या था आपको ये बताना है। एक तो था सेल्फ इंक्रिमिनेशन, एक था नो डबल जियोपार्डी, और एक क्या था, नो
एक्स आगे आप बताओ एक्स के आगे क्या था वो आपको पूरा लिख के बताना है, नो एक्स पी पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है मैंने बता दिया है, लेकिन इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको कमेंट में बताना क्या था वो, ठीक है। तो दो और तीन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रीइलेक्शन। यही गलत हो गया, ये गलत हो गया। जैसे वेंकैया नायडू अभी थे, अगर वो चाहते तो चुनाव लड़ते फिर से बन सकते थे, कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ पे होता है कहाँ पे यूएसए में होता है कि प्रेसिडेंट जो है आप दो ही बार बन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ इंडिया में लिमिट नहीं होती। अब वाइस प्रेसिडेंट हमारा पढ़ लेते हैं इसके बारे में जरा, वाइस प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होता है राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जैसे कोई वाइस प्रेसिडेंट बना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो अपने आप बन जाएगा, लेकिन वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं होता है। तभी अगर हम देखें तो अगर जॉइंट सिटिंग की बात आती है तो स्पीकर प्रिसाइड करता है, स्पीकर नहीं होता है डेप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है। अगर डेप्टी स्पीकर नहीं होता है तो ये मत सोचना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कर देगा, वो कभी नहीं करेगा, डेप्टी चेयरमैन है राज्यसभा का, बिकॉज डेप्टी चेयरमैन तो होता है मेंबर राज्यसभा का लेकिन चेयरमैन नहीं होता है, ठीक है। और इसके इलेक्शन की डेट कौन फिक्स करता है जरा कमेंट में बताओ, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा, अभी बताए थे कि नहीं ऊपर, ठीक है। तो मतलब पहले ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर ऑफ एज, उसकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। ही इज़ इलेक्टेड बाई मेम्बर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेम्बर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो इसके इलेक्शन में जो जो लोग हिस्सा लेते हैं उसको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज, और सभी एम पीज इसमें हिस्सा लेते हैं, यानी कि इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, यानी वे वही लोग हैं जो प्रेसिडेंट को हटाते हैं ना, ऑल एमपीज वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। इसमें नॉमिनेटेड वाले भी हिस्सा लेते हैं, इसमें मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लोग नहीं होंगे इसके इलेक्शन में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अच्छा आप ये बताओ कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि चलो इसको स्किप करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और फॉर्मुलेट करता हूँ थोड़ा सा अलग तरह से, कि मान लो कि किसी को मान लो कि मैं हूँ यूपी का, ठीक है, मैं हूँ मेरा डोमिसाइल यूपी का, तो मैं क्या एमपी में चुनाव लड़ सकता हूँ मेंबर ऑफ लोकसभा या फिर मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है, या आपको ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने को बताया था, थोड़ा हिंट देता हूँ, 2003 में एक कुछ अमेंडमेंट हुआ था, याद करो। हिज टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इज 5 ईयर, तो 5 साल का टेन्योर होता है बिल्कुल, ठीक है, जो कि आपका वेंकैया नायडू जी का भी हाल ही में कंप्लीट हुआ था। बाकी आप क्या कुछ सोच सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, हाँ अगर मान लो कि इनको रिमूव करना हो तब क्या होता है, तो ध्यान रखना रिमूवल में इनके एक सेकंड क्या हो गया, ये रिमूवल में ध्यान रखना राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है लोकसभा कंपैरिजन में, कैसे, इनके रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है, जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से इस रेजोल्यूशन को पास, सॉरी इफेक्टिव मेजोरिटी नॉट स्पेशल मेजोरिटी, किस मेजोरिटी से, इफेक्टिव मेजोरिटी से आपका रेजोल्यूशन पास होना पड़ेगा, एंड देन ये आपका जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा को इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना होगा, राज्यसभा को इफेक्टिव मेजोरिटी से और लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। यानी कि प्रेसिडेंट के रिमूवल में तो लोकसभा राज्यसभा के पास दोनों को इक्वल पावर है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा का है, इस वजह से राज्यसभा के पास थोड़ी सी पावर ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18th नंबर, आई थिंक इसके आगे हमारा क्वेश्चन नहीं, यानी कि आखिरी क्वेश्चन है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट, तो नो कॉन्फिडेंस का मोशन आने को सिखाया था कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही लाया जा सकता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ कभी नहीं लाया जा सकता है, सबके खिलाफ ही लाना पड़ेगा, और अगर ये पास हो गया सरकार गिरना ही पड़ेगा सरकार को, जो अभी पाकिस्तान में हुआ इमरान खान की सरकार क्यों गिरी, बिकॉज वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ सेंसर मोशन की, सेंसर मोशन या तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ भी लाया जा सकता है, लेकिन इसमें सरकार को रिज़ाइन करना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नो कॉन्फिडेंस में है मैंडेटरी। नो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए 50 मेंबर का पहले सहमति चाहिए, अप्रूवल चाहिए, इसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्योंकि सरकार गिर रही है, जहाँ जहाँ भी कोई भी मोशन अगर इट इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, बिकॉज राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, और सरकार का गिरना मतलब लोकसभा का डिसॉल्व होना। इस वजह से आपका सेंसर मोशन हो, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, या फिर एडजर्नमेंट मोशन हो, एडजर्नमेंट मोशन, ये आपके सिर्फ लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं आ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और अपना एक बहुमूल्य कॉमेंट
कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, और बाकी सेशन को हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके लिए कर रहा हूँ, PYQs का सेशन लेके आ रहा हूँ। और बाकी बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसके रिगार्डिंग डिटेल क्लास अगले बैच के लिए, तो वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। अभी आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, चीज़ों को रिवाइज करो, चाहे वो साइंस है चाहे वो जीके है, जितना रिवीजन कर सकते हो। आई अगेन रिपीट माय वर्ड्स कि साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यही आपको जो है सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। यही आपका जीके का बेड़ा पार लगाएंगे। इकोनॉमिक्स में एक वीडियो डाल दूंगा, अच्छे से देख के चले जाना। आएगा अच्छी बात है, नहीं आएगा वो भी अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं आएगा आपको तो किसी को नहीं आएगा, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी यही बात हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में जितना पढ़ाया है आपको मैंने, लेक्चर्स डले हुए हैं, उस पर बस फोकस करो। बाकी एंशियंट मेडिवल्स में ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन आता नहीं है, आते हैं, लेकिन इतना वास्ट है कि उसको प्रेडिक्ट कर पाना कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, वहीं से क्वेश्चन आए जहाँ से आपने पढ़ा, उसके चांसेस बहुत लो होते हैं। तो जितना PYQ में कर पाएंगे कर लेंगे, उसको रिवाइज़ कर लेना, बाकी उतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। अगर आपने कर रखा है तो देख लेना, रिवाइज़ कर लेना उसको। बाकी परमार ऑफिसर करके आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना। परमार ऑफिसर कोई भी अपडेट होते हैं तो आपको वहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी महा PDF जो है करंट अफेयर के रिगार्डिंग वहीं डाली जाएगी, परमार ऑफिसर्स टेलीग्राम चैनल में। धन्यवाद।